See fifth class section on 1st April 2014. So this date is going to be my DOP, that is date of purchase, right? Let's start the question. DOP is exam number 5, page number 12.14. DOP is 1st April 14, right? Sunil Kumar purchased furniture, cost rupees 45,000. Estimated life 10 years. और 10 years के बाद जो हमें 5,000 में बिकेगा, ये scrap value. Scrap value, residual value is giving you in the question. अब बेटा जी ध्यान से एक नया concept इस question में आएगा. This time he doesn't have only one furniture. He is having more than one furniture. It means आपकी DOP. इसे मैं number one बोलूँगी. ये मेरे पास first furniture है, right? So number two furniture is by. But you will change it. 1st April 15. But you bought for 9,500. Is अगर इसकी residual value 5,000 है, तो इसकी 500. Right? On 1st October, आपने एक और खरीदा. Call it number two. Number three. That you bought on 1st October 17. 8,400. और उसकी residual value 400 है. इन दोनों furniture की life date है. आपको नहीं लगता अगर तीन कैटेगरी का मेरे पास फर्नीचर है तो तीनों के ऊपर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का लगा पड़े, राइट? सो आई विल फर्स्ट बी टेलिंग यू और शेयर फाइल मेथड है जो एक साल डेप्रिसिएशन होगा वही आने वाले सालों में होगा. हम तीनों का पहले डेप्रिसिएशन निकाल के रखेंगे. हम लोगों से पूछा क्या है, पहले चार सालों का फर्नीचर अकाउंट बना. सो हियर इज माय वर्किंग नोट्स, फॉर्मूला विल रन इनटू माय माइंड. कॉस्ट माइनस स्क्रैप 40,000 डिवाइडेड बाय 8,400 for a year. But this furniture is not buying in the beginning. He's buying it at October, 1st October. It means that पहले साल के ऊपर 6 महीनों का लगेगा and that will be 4. बाकी आने वाले सालों के ऊपर 800, 800. ठीक है? अब उसने मेरे को क्या पूछा? पहले 4 सालों का furniture account बनाओ. Let me count the years. एक बनेगा 14-15 का, एक बनेगा 15-16 का, एक 16-17 का और एक 17-18 का. एनी डाउट एनीवन? 4 साल क्लियर? हमें परीक्षा क्वेश्चन में एवरी ईयर द अकाउंट्स आर बी क्लोज टू 31st. यस. इट मींस द कंपनी इज फॉलोइंग फाइनेंशियल टाइम 31st March. वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग for me to break down and we will run it for how many years? For ledger account का format बना लिया. Date column nobody will skip because dates are very very important in our chapter of depreciation. So now these all things are in my mind. DOP आप याद रखना, अपनी notebook पे लिख के रखो because I need to erase it. पहला furniture कब खरीदा? 14 में. दूसरा कब खरीदा? 15 में. तीसरा कब खरीदा? ईयर बताओ. बिल्कुल ठीक, 17-18 में. ये वाला लास्ट ईयर में है और इसके ऊपर सिर्फ 6 महीने का ही लगना डेप्रिसिएशन. उसके बाद तो उसने पूछा ही नहीं मेरे से लेजर अकाउंट बनाने को. गेटिंग इट? सो लेट्स बिगिन. वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फर्नीचर अकाउंट फ्रॉम 14-15. लेट्स प्रिपेयर इट्स फॉर्मेट. फर्नीचर अकाउंट for 4 years. So this column will be, first column will be of date extended till last, then we have particulars, then we have amount, right? So bana lijiye or we can skip it. Nahin. Date, particulars and amount. Name it as particulars.
Then amount. Again, repeating the columns on credit side. And amount. Done. Upar likhiye debit and credit. Done. So the question is in my mind क्योंकि मैंने अभी ही पढ़ा है 45,000 को 1st अप्रैल 14 को मैंने फर्नीचर खरीदा. एंट्री क्या हुई होगी? फर्नीचर टू बैंक. ऑलरेडी डिस्कस विद यू एवरी टाइम वी विल बी रनिंग द एंट्रीज इनटू आवर माइंड एंड वी विल जस्ट बी पोस्टिंग देम इनटू द लेजर. डन. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. नंबर वन आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना. नंबर वन मीन्स ये मेरा पहला फर्नीचर है, ठीक है. और कितने का खरीदा? साल बीता, साल का एंड आया और साल के एंड में मैंने डेप्रिसिएशन लगाया जो मैं पहले से वर्किंग नोट में लगा के रख चुकी हूँ 4,000. एम आई राइट? एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. यहाँ पे डेट लिखी है 31 मार्च 15, साल का एंड. बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच? 4,000. हु विल टेल कितनी वैल्यू रह गई? 45 में से 4,000 माइनस करिए, 41,000. राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंस हियर On the same date, by balance, carry down. मेरे पास space की shortage रहती है, मैं double line लगाऊंगी. Double line का मतलब है दोनों sides का total same है. जो पिछले साल का closing balance है, that is going to be opening balance in the next year, first day of next year. And the first year next year is the date when I bought my second furniture. That is on 1st April 15. पहले opening balance लिखिए, फिर नया furniture खरीद लीजिए और 9,500 का. Am I right? लिखिए फिर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. राइट, 41,000. इसी दिन मैंने एक नया फर्नीचर खरीदा टू बैंक एंड कॉल इट नंबर टू फॉर योर कन्वीनियंस. जब कभी भी आप नंबरिंग करोगे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ना आगे बराबर है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज व्हाइल चार्जिंग द डेप्रिसिएशन. डन. हां जी, हाँ, दैट इज स्क्रैप वैल्यू. फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. 45,000 minus 5,000 is equal to 40,000 divided by 10 is equal to depreciation, that is 4,000. तभी तो लिखा. 10 सालों के बाद 5,000 मिलना है मानशु, कोई नई बात थोड़ी ना है. मैं अभी depreciation लगा रही हूँ, मिलेगा तो 10 सालों के बाद 5,000 ना. 10 साल बीते तो, और 10 सालों का furniture account पूछा ही नहीं, पूछा ही 4 सालों का. चलिए जी, कितने में खरीदा ये? साल बीता, अब की बार दो फर्नीचर है मेरे पास, दो अलग अलग है, दोनों के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा. आई विल बी कॉलिंग माई डेप्रिसिएशन नंबर वन, डेप्रिसिएशन नंबर टू, एंड आई विल बी राइटिंग लाइक दिस वे ऑन 31st March 16. सी द टेक्निक. बाय डेप्रिसिएशन फुल अमाउंट लिखोगे, स्पेलिंग लिखोगे इन वन एंड टू. वन का आपको पता है 4,000 है, सेकंड का आपको पता 900. चाहो तो दोनों को ऐड करके 4,900 लिखोगे, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन में जब सेल आनी है ना, सेल ऑफ एसेट, एट द टाइम यू विल गेट कंफ्यूज. तो बेटर है कि आप सेग्रेगेट ही करो. अगर वन मोर देन वन टाइप है, यू विल बी सेग्रेगेटिंग देम एवरी टाइम. राइट, सो दिस इज 4,000 and 900. एनी डाउट टू एनीवन? ये 41 है, इसका बैलेंस कितना बचा? 37. ये 95 है, 900 इसमें से माइनस किया, इसका बैलेंस कितना बचा? 8,600. तो दो बैलेंस अलग अलग नहीं लिख सकते. ठीक, लिखिए फिर. बाय बैलेंस कैरी डाउन नंबर वन. यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है कि मैम एलैबोरेट करवा रही है बुक में, तो टोटल ही कर रहे हैं, लेकिन दैट विल हेल्प यू अ लॉट. बुक में टोटल लिख रहा है कि अलग अलग लिख रहा है? हाँ, तो आप टोटल मैच करते जाओ, दैट विल मैच विद योर बुक, बट आई वॉन्ट इट टू बी सेग्रीगेटेड. राइट, दिस इज 41 में से 4 गया 37, 95 में से 9 गया 86, बुक में टोटल 43,600 लिखा होगा. देखो 45 ही है, 37 एंड 8, 45 ही है. ठीक है जी, 45,600. डन. सो अगेन आई विल बी ड्रॉइंग द लाइन विच विल सिग्निफाई दैट बोथ द टोटल इज सेम एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स विल बी 50,500. चेक करो बुक में से, 50,500 इज द टोटल. अगला कौन सा साल है बच्चे? ये अगर 14-15 है, ये 15-16 है, अगला कौन सा साल है? ओके, 16-17 बोलना आपने, है ना, फाइनेंशियल ईयर. क्या इस साल कुछ नया परचेस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 16-17 है और 31st March 17 को खत्म हो जाना है. जो थर्ड टाइप ऑफ फर्नीचर मैंने खरीदा है वो 17-18 में खरीदा है, बिकॉज दैट इज अक्टूबर एंड माय एवरी फाइनेंशियल ईयर कम्स टू एन एंड ऑन 31st March. इट मींस कि यहाँ पे कोई नई परचेस नहीं है, क्वेश्चन सीधा सा चलेगा. ठीक है, करिए फिर. 1st अप्रैल
16 लिखवाओ बैलेंस. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब की बार दो तरह के बैलेंस है, वन एंड टू. वन इज 37,000, सेकेंड इज 8,600. साल बीता, कंटिन्यू करो. बाय डेप्रिसिएशन वन, बाय डेप्रिसिएशन टू. वन के ऊपर 4,000 एंड सेकेंड के ऊपर 900. क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहां तक, थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा. ठीक है, 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन वन एंड टू, सेम रिपीटिंग, 4,900. इसका बैलेंस बच चुका था 37,000. 37,000 में से 4,000 माइनस किया, 33,000 लिखिए. फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन वन एंड टू, दिस विल बी 33,000. 86 में से 900 माइनस किया, बोलो कितना? 77,700. बुक में से चेक करो, उसने 40,700 बैलेंस लिखा होगा थर्ड ईयर के बाद. थर्ड ईयर के बाद उसने कंबाइन लिखा है 40,700. यू शुड नो कैसे आया. देखो 40,700 ये, चलें आगे. सो फोर्थ ईयर इज अ ईयर व्हेन यू बॉट थर्ड फर्नीचर. एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन? किसी भी कैलकुलेशन के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, यू मे आस्क. शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? 9,500 में से 900 माइनस किया, सेकेंड फर्नीचर है, आगे लिखा हुआ सेकेंड. ठीक है, चलिए जी थर्ड ईयर पे आइए. फोर्थ ईयर पे, सॉरी, लेट्स सी फोर्थ ईयर. जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा एंड दिस विल बी ऑन 1 अप्रैल 17. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर वन नंबर टू. नंबर वन इज 33,000, नंबर टू इज 7,700. 6 महीने बीते, 1 अक्टूबर को आपने थर्ड टाइप ऑफ फर्नीचर खरीदा एंड दैट इज ऑफ 8,400. एम आई राइट? लिखिए फिर डेट यहां पे, 1 अक्टूबर 17 टू बैंक एंट्री. यू नो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. एवरी टाइम आई बाय द न्यू फर्नीचर आई राइट द एंट्री टू बैंक एंड एज इट इज माई थर्ड कैटेगरी आई राइट इन फ्रंट ऑफ इट थर्ड. And that I bought for. अब आपके पास तीन तरह के फर्नीचर हैं. अब आपकी ड्यूटी बनती है तीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना. 31 मार्च 18 आया, साल बीता. पहले दो फर्नीचर को तो आपने पूरे साल के लिए यूज किया, थर्ड वाले को आपने सिर्फ 6 महीने के लिए यूज किया. डे वन आई एम टेलिंग यू डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस. एम आई क्लियर टू एवरीवन? हाउ कैन आई चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस फर्नीचर फॉर अ होल ईयर इफ दैट वॉज नॉट विद मी? Right? This came to me. This I bought on 1st October. So I will be calculating depreciation not for the whole year. I will just be calculating the months. How I calculated the month? October I included because I bought it on 1st day of October. Had it been on 31st October? So 5 months ka lagta. So October exclude hota. Maine very first year of October kharida hai. So I will be computing the months October, November, December, January, February and March. For 6 months, I will be calculating the depreciation. By depreciation, first ke upar, second ke upar, third ke upar. First ke upar same? First ke upar same? 4,000. Second ke upar same? Third ke upar? 8,400 minus 400 divided by 10, 800 banta hai. वो पूरे साल का है, मैंने 6 महीने का लगाना है, एग्जामिनर को बता के आना. वी कैलकुलेटेड फॉर 6 months. एम मीन्स मंथ, 6 मीन्स 6, डन. दैट इज 400. बाय बैलेंस कैरी डाउन तीनों का अलग अलग, 33 माइनस 4 29, 77 माइनस 9 68, 84 माइनस 4 8,000. बुक में आंसर होगा, ये बन गया 29, 35, 35 और 43, 44, 700. चेक करो फिर, बैलेंस चेक करो. हाँ 800 ही आना है. 29 और 6 35, 35 और 8 43, 43 800. डन. उसने तीनों को कंबाइन करके बैलेंस लिखा होगा. ड्रॉ द डबल लाइन. फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करो, तब क्वेश्चन खत्म होगा. दिस विल बी ऑन 1st अप्रैल 18. डन. टू बैलेंस
नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, जस्ट कॉपी देम. तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस लिख दीजिए एंड दिस इज द वे हाउ वी हैव टू कंप्लीट आवर लेजर अकाउंट फॉर फोर इयर्स. दो देयर लाइफ इज 10 इयर्स बट ही डजंट अफोर्ड टू आस्क द लेजर अकाउंट फॉर 10 इयर्स. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो ही जस्ट आस्क यू टू प्रिपेयर फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड दैट इज 4 इयर्स. राइट, कम टू द नेक्स्ट. Next, we will see some follow-up. Okay. Sixth follow-up, because sixth illustration is a sold illustration in your book. Sixth follow-up we will see. And with that follow-up, we are going to proceed to the next topic, whereby he is selling off asset. Jab asset purani ho jati hai aur wo use bech deta hai, us time pe it is our duty to calculate profit or loss. क्या एसेट को बेचने के ऊपर आपको नुकसान हुआ के फायदा हुआ. फॉर दैट आई विल फर्स्टली बी कंप्लीटिंग माय वर्किंग नोट्स एंड देन आई विल बी प्रोसीडिंग टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट. राइट, सो लेट्स सी सिक्स्थ फॉलो अप इन माय बुक. इट इज ऑन पेज नंबर 12.17. ओपन दैट पेज एवरीवन. एक और बात सुनो, आमतौर पे पार्ट्स में कभी भी एसेट नहीं दिखता है ना. कई बार वो क्वेश्चन में बोलेगा 1/4 ऑफ द मशीनरी बींग सोल्ड. प्रैक्टिकली सोचूं तो कभी भी मशीनरी का 1/4 पार्ट नहीं होगा, लेकिन इस चैप्टर में अजम्पशन यही होगी कि पार्ट्स में एसेट बिकता है. दो इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर. हां, हैड इट बीन अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की अपर स्टोरी बेच दी जाए, लोअर स्टोरी बेच दी, वो पार्ट्स में बिकता है, लेकिन मशीनरी आमतौर पर पार्ट्स में नहीं बिकती. ठीक है, लेकिन इस बुक में, इस बुक क्या, इस चैप्टर में ही फोर्स अस टू अज्यूम दैट द एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. डन, तो कभी भी 1/4 या 1/6 पार्ट अगर वो बोले तो वी हैव टू अज्यूम कि यस पार्ट्स में एसेट बिक सकता है. राइट, सो दिस यू नीड टू अज्यूम. लेट्स सी सिक्स्थ फॉलो अप. रीड इट बिफोर मी. जो जो रिक्वायर्ड है टॉप पे लिखो. क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? डीओपी एंड कॉस्ट. डन, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल. टाइम पीरियड आपने कंप्यूट करना है, कितने सालों का पूछा है, दैट यू विल रिटेन इनटू योर माइंड. मैंने बोला बार बार क्वेश्चन नहीं पड़ेगा कोई भी, दैट विल वेस्ट योर टाइम. जो जो रिक्वायर्ड है पहले ही टॉप पेज पे लिखो, पेज के टॉप पे लिखो. लेट्स बिगिन सिक्स्थ फॉलो अप. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू पिक द टॉपिक सेल ऑफ एसेट. चलिए जी, लेट मी प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स फॉर यू. एवरीवन विल पे अटेंशन ऑन द बोर्ड फर्स्ट. राइट, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू पे कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ द चैप्टर. जो अभी तक इलस्ट्रेशन करी है दैट वाज वेरी सिंपल, दैट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क इन द पेपर, दैट वाज एसेंशियल टू मेक अ बेस. ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा वो सेल से रिलेटेड ही आएगा. कभी भी सेल के बिना क्वेश्चन नहीं आना पेपर में. सो एवरी टाइम दे विल बी putting a trick in the question, tricky banane ke liye sale of asset is must in your statement, right? So this is follow up 6. Let's read. DOP is 1st April 14. Required. Cost of the asset is 10,000. Required. Jaise maine bola ki DOP essential hai, ab ki baar DOS bhi essential hai. That is date of sale. Because that date will tell me for how many time period I kept the asset with me. If that I come to know, then I will be charging the depreciation for that time period. मैंने 2 साल अपने पास रखा, 2.5 साल अपने पास रखा, 2.5-3 साल अपने पास रखा, that you need to calculate. And for that time period, you will be calculating the depreciation. Getting it? And in order to know the profit or loss, every time you compare book value with the sale value. And how the book value is to be calculated, cost minus depreciation. बुक वैल्यू का मतलब है एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट अमाउंट यू विल बी शोइंग योर एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज बुक वैल्यू. एंड वी ऑलवेज डिडक्ट द डेप्रिसिएशन व्हिच वी चार्ज. ठीक है, तो बुक्स में हम कितनी वैल्यू पे एसेट दिखाएंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद. एवरी ईयर वी चार्ज द डेप्रिसिएशन, एवरी ईयर वी डिडक्ट द वैल्यू, एंड द वैल्यू अराइव्ड एट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन वी कॉल इट बुक वैल्यू. सो दैट्स व्हाई डेट ऑफ सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल बी keeping these two dates into mind in order to find out the tenure for which I kept the asset with me. Tenure or tenor means time period for which I kept the asset with me. Okay, let's see. Date of sale is
30th सितंबर, अभी कैलकुलेट करते हैं, एंड द सेलिंग वैल्यू इज 6000। कहता प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो, 10% डेप्रिसिएशन है और मशीनरी अकाउंट भी बनाओ 4 सालों का, डन, एवरीथिंग इज इन माय माइंड नाउ, राइट। बिगिनिंग में एसेट खरीदा, 1 साल का डेप्रिसिएशन 1000, कैसे कैलकुलेट किया, 10000 का 10%, डन, 1 साल का पता चल गया, पर एनम डेप्रिसिएशन 1000। अब काउंट करते हैं, एसेट 14-15 मेरे पास है, एसेट 15-16 मेरे पास है, एसेट 16-17 भी पूरा मेरे पास है, सोचो, क्योंकि 16-17 31 मार्च को खत्म होना है, 17 को, 16-17 भी मेरे पास है, लेकिन जब मैं 17-18 की बात करूंगी तो सिर्फ 6 महीने मेरे पास, बिकॉज आई एम सेलिंग इट ऑन, had it been 30th September, had it been on 1st October, 6 महीने ही रहते, एक दिन का थोड़ा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, done, कुल मिला के एसेट 3.5 साल आपके पास है, 3 सालों का डेप्रिसिएशन लगाऊं, इजी बनाऊंगी क्वेश्चन को ताकि शॉर्टकट में करें, 3 सालों का डेप्रिसिएशन 3000, 500 और ऐड कर दो, 3.5 हजार डेप्रिसिएशन, एनी डाउट टू एनीवन, इस साल का डेप्रिसिएशन 1000, इस साल का 1000, इस साल का 1000, इस साल पूरा लगाऊं, तो फिर हाफ करना ना, 3500 ही बना, क्या किया मैंने, 1000 ईयरली डेप्रिसिएशन है, 3.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3.5 का डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा, इज इट एन इजी वे, डन, यहां तक क्लियर है बात। अब मैंने क्या करना, आई नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, उसने पूछा है, एक पॉइंट पूछा भी है उसने, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट, इट मीन्स की वर्किंग नोट्स के अपने मार्क्स हैं, सो हियर आई डू कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का नाम क्या, मशीनरी, देखिए जरा स्टेप देखिए, कॉस्ट है 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी इयर्स, 3.5 इयर्स, बिकॉज आई कैप्ट इट फॉर 3.5 इयर्स, टाइम पीरियड पता चल गया मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये मैंने बता दिया ना, फुल फ्लेश 3 साल है, अगले साल 6 महीने ही यूज किया, क्यों सारा रिटर्न ऑफ करेंगे, लाइफ तक रिटर्न ऑफ करेंगे, लाइफ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इन बिटवीन वी आर सेलिंग इट एंड द डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन इन परसेंटेज, और इन बिटवीन अभी एसेट चलती कंडीशन में है, आपने उसे बेच दिया 3.5 सालों के बाद ही, जबकि इसके अलावा भी चल सकता था एसेट, सिंपल सी बात है, वो एसेट जो आपने 10,000 का खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन है, 10 साल उसकी लाइफ है, तब वो जीरो होना, आई एम सेलिंग इट आफ्टर, यू आर राइट, जीरो हो जाती है वैल्यू, बट आफ्टर 10 इयर्स, एम आई राइट, यू आर सेलिंग इट आफ्टर 3.5 इयर्स, सो डेप्रिसिएशन इज, जो वैल्यू आई उसे बुक वैल्यू बोलेंगे, बीवी आई विल बी राइटिंग बुक वैल्यू, That is to be compared with the selling value, SV. आपको नहीं लगता you are at loss? आपके लिए उस चीज की वैल्यू 6500 थी, in your books that asset comprises the value of 6500, you are selling it at less price. 65 वाली चीज को कितने में बेच रहे हो? So एक formula बना लीजिए, if the selling price is less than the book value, you are at loss. If reverse happen, you are at profit. Any doubt? 500 is loss, and that you are selling in the fourth year, mid of the fourth year. It means कि मैं 4 सालों का machinery account बनाऊंगी उसके कहने के मुताबिक, लेकिन 3.5 पे ही वो over हो जाएगा क्योंकि आपने 6 महीने के बाद ही तो बेच दिया. So I will not be preparing it for full fledged 4 year. I will be preparing it for 3.5 year. Done. So loss. कैसे निकाला loss? Book value minus selling value, that is 5. Any doubt to anyone? Do you know the journal entry for the sale of the asset when we are selling it at loss? Journal ke chapter mein sikhaya hua. Okay, main ek minute, main is question ko sara bhul jati hu. Main ek transaction bolungi and you people will raise your hand. Asset costing rupees 6500 sold for rupees 6000 passing journal entry. Journal entry. Asset costing या having the book value of rupees 6500 sold for 6000 pass the journal entry. चलो पूरा good
टू एसेट, यहां पे एसेट का नाम मशीनरी, बिल्कुल ठीक है। अब हु विल टेल मी, जब मैं यहां पे मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगी कौन सी साइड पे इस एंट्री की पोस्टिंग करूंगी, लिखूंगी बाय कैश या बाय बैंक बाय लॉस, एंड ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस वी यूजुअली ट्रांसफर और वी ऑलवेज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यू कैन राइट बाय लॉस ऑन एसेट, कोई गलती नहीं है इसमें, ऐसा भी ठीक होगा। अगर आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं और ब्रैकेट में लॉस लिख देते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। हैड देयर बीन गेन, हैड देयर बीन गेन, एसेट है 6500 और 7000 में बिके तो क्या होगा एंट्री, एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 6500 सोल्ड फॉर 7000, रेज योर हैंड्स। चलो गुड, वेरी गुड। If the losses are to be debited in the entry, it is quite obvious profit is to be credited in the entry. Done. Entry kya bani? Cash account debited 7000 to machinery 6500 to gain or profit on sale of asset, that is 500. Ab entry ki posting batao. Garv. Entry hai cash account debited to machinery to gain on sale of asset. Machinery account banate huye kaun si side pe kya likhna? Ledger account. Raise your hand who will tell me the posting of the journal entry when we are selling it at profit. So I'm writing the journal entry over here. Cash account debited, that is 7000. To machinery, that is same 6500. To profit on sale of asset 500. Hanji girl, waiting for your answer. हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, बाय कैश, बिल्कुल ठीक है। टू प्रॉफिट, टू वाला प्रॉफिट जो डेबिट साइड पे लिखा है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये फॉलो हुआ अगर लॉस क्रेडिट साइड पे आता है तो प्रॉफिट रिवर्स साइड पे आता है, वहां पे लॉजिक मत ढूंढने बैठना। एंट्री में लॉजिक मैंने जरूर फॉलो किया, नॉमिनल अकाउंट ऑल द गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड एंड द पोस्टिंग आई विल बी डूइंग ऑन द रिवर्स साइड। Why on the reverse side? Because if the losses are to be shown on the credit side of the ledger, then it is quite obvious profits are to be shown on the debit side of the ledger. Done? बनाए मशीनरी अकाउंट, लेट्स प्रिपेयर, स्टार्ट इट। मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करो सभी लोग, यस एवरीवन।